हिरणी की यह सच्चाई की कहानी आपको रुला देगी। एक बार पार्वती ने भगवान शिवशंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिवजी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके भय अपने कुटुंब को पालता था। भय एक साहूकार का कर्ज था, लेकिन उसका कर्ज समय पर न चुका सका। क्रोध बस साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मगन होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दर्शी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और कर्ज चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा कर्ज लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकल गया था, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पात्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। मार्ग बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पात्री भी चढ़ गए। एक दिन रात्रि बीत जाने पर एक गर्वीड़ी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जी हुई प्रत्यंचा खींची। मृगी बोली, मैं गर्भ में हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ जो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे अपराधी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवेत्रक हुई हूँ। कमातुर बिरहड़ी हूँ, अपनी प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। दो बार शिकारी का खोकर उसका माता ठनका भय चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी दिन बीत रहा था, तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे अपराधी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट जाऊंगी, इस समय मुझे मत मार। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले मैं दो बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मिर्गी ने फिर कहा, जैसे मैं तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे अपराधी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के आसाब में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पात्र तोड़ छोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था।
डाली फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया था कि इसका शिकार भय अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे अपराधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम्ब ना करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ, यदि तुमने उन्हें जीवन दान में दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो, मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी, अतः मैं जैसे ही तुमसे उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है वैसे ही मुझे भी जाने दो, मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही हूँ। उपवास रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपात्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भागवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय करुणिक भावों से भर गया। भय अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चात की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी देर बाद मृग सब परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि भय उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता सत्यविकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गिलानी हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झाड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए नाजुक एवं कृपालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणतियों होते ही देवी देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। तब शिकार तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, हम मिलते हैं आप लोगों को अगले एक और नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।